थाना सराय इनायत प्रयागराज प्रार्थी पीड़ित ने आरोप लगाया कि आशा पत्नी लालजी निवासी फतुआ की रहने वाली है। दिनांक 2 फरवरी 2023 को करीब 4:30 बजे शाम को पीड़ित ने आरोप लगाया कि अभिषेक पुत्र ब्रजेश, विक्रम पुत्र ब्रजेश, मुकेश पुत्र रमेश और अंकित पुत्र रमेश निवासी फतुआ प्रार्थी आशा देवी के लड़के सोनू को अकेला जाते देख कर मारने पीटने लगे। इस दरमियान बीच बचाव करने आए उनके बड़े भाई सुरेश को भी मारा पीटा, जिससे कि सोनू को और प्रार्थी के बड़े भाई को सुरेश को कुल्हाड़ी से दबंगू द्वारा मारा गया और घायल अवस्था में खेत में छोड़कर अधमरा समझकर भाग गए, जिसमें प्रार्थी के बेटे सोनू को हाथ में काफी चोट आई है और हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसका की एक्सरे रिपोर्ट भी है। पैर में कुल्हाड़ी से मारा गया। प्रार्थी के पिता जब बचाने गए तो उन्हें भी दबंगों द्वारा पीटा गया, बुजुर्ग को ढकेल दिया गया, पैरों में काफी चोट आई। दबंगों द्वारा थाने वालों को पैसे दे देने की वजह से सही थाने से द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से प्रार्थी के पुत्र सोनू को जान से मारने की धमकी दी गई और उनके घर की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने तक का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, फिर भी थाने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रार्थी के परिवार वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय न मिल पाने की वजह से परेशान है। दबंगों द्वारा बोला गया कि जो गवाही देगा उसे घसीट कर मारेंगे और उनकी बहन बेटियों के दुर्व्यवहार करेंगे, इसी कारण आसपास के लोग डरे हुए हैं। दबंग इससे पहले भी कई घटना को अंजाम दे चुके हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से वो हर बार बोलते हैं कि मैं जान से मार भी दूंगा तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, पुलिस सब मेरा है। और ये लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं, सबकी बार जान से मार। क्यों धमकी दे रहे हैं? दबंग लोग हैं। दबंग लोग दे रहे हैं, इनकी पार्टी जो मारे थे। अच्छा। हाँ, थाने वाले जो सराय नायक के सो है और उधर के जो मुंशी उंशी है, दरोगा वरोगा सब पैसा ले लिए हैं। अच्छा। हाँ, ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बोलते हैं जाओ थाने में जाओ, क्या काम है तुम्हारा थाने में आते हो बार बार, जाओ हम देख लेंगे, ऐसा ही बोलते हैं। जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्यों जान से मारने की धमकी दी है? पता नहीं क्या है इनके दिल, भैया दबंग लोग है, अब मार के एकदम अधवारा कहीं छोड़े, बस मर चुका रहे, ये सोच के छोड़े ना, अरे लेटा रहा पड़ा रहा। अच्छा, मार के भाग गए के उठावई। और जो वो क्या बोलते हैं टावर में जिसको मारे थे, वो क्या बोले उस टाइम की कुछ नहीं कर सकता पुलिस वाले? कुछ नहीं कर सकता पुलिस वाले, कुछ नहीं कर सकता पुलिस वाले, कुछ कहा मार तो डाले, कब हुआ जेल हो छूट गई बात कर। देखिए ये कुछ दबंग लोग हैं जो इनको मारे हैं और इतना ज्यादा मारे हैं, इनके दादाजी के पैर में भी चोट लगी है, इनका हाथ फ्रैक्चर है, इनके पैर में भी चोट लगी है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सोनू है। सोनू? और दादा आपका क्या नाम है? हरिलाल। अच्छा, थाने का चक्कर काट रहे हैं, क्या हुआ है आपके साथ जो आप थाने का बार बार चक्कर काट रहे हैं? जब लड़ाई हो गई थी हमको 14-15 लोग ने मिलकर खूब जम से मारा, एकदम अधमरा करके छोड़ा था, जैसे मर गया इसको करके छोड़ दिए थे, गांव वाले सब पहुंचे, फिर उसके बाद ये लोग छोड़ छोड़ भाग गए। 10 लोग, इसमें 9 आदमी थे, 6 औरत थी, 15 लोग। कौन कौन लोग थे? अभिषेक, विक्रम, मोती, हीरा, रमेश, महेश, अंकित, मुकेश। और कौन औरतें थी? और क्या नाम नहीं मालूम है, उनकी चाची। क्यों मारी थी, मतलब कुछ मैटर हुआ था? कुछ मैटर नहीं था, बस मैं अपने नाना की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ से देख के लौटा था और ये लोग बस रास्ते में आया, वही रोक के ये लोग लगे मारने। पार्टी बनाए है? अच्छा, किस चीज से मारे आपको? ये हमें मारे हैं लाठी से, मारे धनिया से, मारे टेंगारी से भी मार दिए थे, पाँव में मारे, लेफ्ट वाले पाँव में टेंगारी से मार दिए, कुल्हाड़ी से, और राइट वाले हैंड भी फ्रैक्चर है। अच्छा, तो आप अभी ये मतलब इनको भी मारे, पैर में इनकी चोट लगी हुई है, इनको क्यों मारे? अरे बोल रहे थे कि छुड़ाने के लिए गए थे, ये भी इनको भी धक्का फक्का दिया, इनको भी मार दिए पाँव में। अच्छा, आपको क्यों मारे? हम वही देखेंगे उसको, तो थोड़ाई थोड़ाई का ही मारो, दंगा हो तो गए तो वही पर समझे किसका नाना है, इसका भी मारो। अच्छा, इसका भी कुछ मारो जल्दी से। अच्छा, कितने साल के हैं आप? कुल्हाड़ी लिए रहे ये था। उम्र कितना साल बा? उम्र 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 तुम्हारा कितना है? उम्र तो हमारे 80 है। 80 हूँ। मतलब इतने बूढ़े लोग को उन लोगों ने मारा, कितने लोग थे टोटल? कई जने थे, 17-18 लोग। पैर में भी आपकी चोट आई है, जूते ऊपर करिए हल्का सा। अच्छा, और आपका हाथ फ्रैक्चर है? हाँ, मेरा राइट हैंड फ्रैक्चर है। 5:30 बजे झगड़ा था,
हमारा बेटा अपने नानक देख के लौटा था, वाह वाह कह के दोनों तरफ सरसों है, सरसों के बीच में घेर रहा के मारे न हमारा जान से अधमारा कह के मार के छोड़े रहे। तब से नंबर फोन करा नहीं आए, जब अबू बहन बाद में कहीं जाओ थाने पे, थाने पे गए कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, थाने वाले पुलिस वाले कहते हैं जाओ भागो, कोई नहीं लिखा जाए केस। क्यों नहीं लिखा गया, कौन लोग थे वो जो मारे इनको? ये मारे दबंग लोग हैं। अच्छा हाँ, गुड्डू हाँ, जियालाल गुड्डू भाई मुकेश अब रमेश अच्छा। अंकित क्या करते हैं ये लोग? इन लोग ऐसे टहरते रहते हैं, जुआ खिलाते हैं। अच्छा, जुआ खिलाते हैं? जुआ खिलाते हैं। अच्छा, दस लौंडे बुलाए के। अच्छा, दीदी जी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो भी अगर गया था थाने पे उसका भी मारूंगा, उसके बिटिया के भी मारेंगे। अच्छा, अगर ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो दौड़ाई दौड़ाई घर में घुस के मरवाएंगे। अच्छा, दूसरा दूसरा से लकड़ी लगा के इन लोग झगड़ा करवाते हैं। अच्छा, कि तुम गाड़ी दो, तुम करो, उससे बिटिया के लगाई गाड़ी दो तो मारे इन लोग, तुम लपटियाओगे तो हम लोग आएंगे तो मारेंगे। अच्छा हाँ, इसका चाचा भी दिनेश है, मार चुका है हमका। हमारा अच्छा, बेटा था साइकिल लेने दूसरे गया था, उसके साइकिल लेने गया था तो वो खुफिया था, तो हमारा बेटा गया था साइकिल लेके आया था तो पकड़ के हमारे बेटा कोहिना कोहिना मारे थे। अच्छा, जब हमारे गए पूछे कि काहे मारा था हमारे बेटा के, तो कहे कि माधव चौध मारा पर तई रंडी तई तोर बिटिया रंडी छिंदारी गाड़ी वाली दी। हाँ, गाड़ी वाली दिया था। मैं जब गया था लिखा, जब लिखाए गए हम कदौड़ाई दौड़ाई मारा था, दिखाइया सब रहे पर उसके घरे के रहे न गांव देश के रहे न कोई नहीं छोड़ाया। अच्छा, तब जब हम गए हैं तब हम कहा कि काहे हमारे बेटा को मारा था, तो हमका मारे लग दौड़ाई के मारे के बाद तब हम कहा कि थाने पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? गए थे कहे बड़ा साहब नहीं है, तो हम कहा बड़ा साहब नहीं है तो हम जा रहे हैं, आएंगे बड़ा साहब तो हम रिपोर्ट देंगे। तब कहे दे दो हमको जौन है इन लोग बात कर रहे थे थाने पे फोन में। अच्छा, कि इसके रिपोर्ट ले लेना, बड़े साहब के ना देना, तीन लोग रिपोर्ट ले लेन, हमारा सुनाई नहीं हुआ, न पुलिस आया न दरोगा आया। अच्छा हाँ,